फ्री फायर के बडी मार्ट वाले सेक्शन में कुछ न्यू रिवार्ड्स को ऐड किया गया है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकती हो। तो ये जो टोकन का क्या काम है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ साथ जो ये बडी मार्ट टोकन है वो आपको किस तरीके से मिलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जो पूरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जान लो कि ये जो बडी मार्ट टोकन है ना वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जो टोकन वगैरह से एक्सचेंज करोगे उसका क्या काम है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो बडी मार्ट टोकन है ना वो आपको गेम खेलने पर मिलेगा, लेकिन जो नॉर्मल गेम खेलोगे ना उसके बदले आपको नहीं मिलने वाला। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कैसा गेम खेलना है, आपको बता दूं गेम उनके साथ खेलना है जिनका बिल्कुल फ्रेश आईडी न्यू आईडी है, और यदि न्यू आईडी नहीं होता तो लेवल 5 से नीचे होना चाहिए। तो यदि आप लोग उनके साथ खेलते हो ना तभी आप लोग को ये जो बडी क्वाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन सा मैच खेलना है, तो जैसे आप लोग प्ले मैचेस पर क्लिक करोगे अब उन बंदे को यहाँ पे जो सेलेक्ट करना है जिसका जो लेवल 5 है या फिर यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश आईडी न्यू आईडी है। ऐसा करो ना आप लोग यहाँ पे जो अपना न्यू गेस्ट आईडी बना लेना उसमें आप लोग रिक्वेस्ट डालना, उसके बाद आप लोग गेम प्ले करना। साथ साथ जैसे आप लोग एंड करोगे तो आपको यहाँ पे जो बडी मार्ट टोकन देखने को मिल जाएगा, बडी क्वाइन देखने को मिल जाएगा। जैसे बडी क्वाइन मिलता है उससे आप लोग रिवार्ड्स को एक्सचेंज कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे आइटम यहाँ पे जो दिया गया बीआर का ड्रॉप कर दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे आप लोग इसको परचेज करती हो तो जो आप लोग बीआर रैंक की गेम खेलोगे उसमें जो रैंक माइनस होता है ना उससे यहाँ पे रैंक माइनस होने से आपका बच जाएगा। ये टोकन हम लोग को वो कब तक एप्लीकेबल है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जिसका आपका जो रैंक है ना ब्रॉन्ज 1 से लेकर मास्टर तक है उसके बीच यदि आपका जो रैंक माइनस होता है उसको ये बचाता है, रैंक माइनस नहीं होने देता, और इसको आप लोग जो है दो बार ही परचेज कर सकती हो। अब यहाँ पे दूसरा आता है सीएस का प्रोटेक्शन कार्ड, तो सेम उसी तरह है जिसमें आप लोग जो बीआर में बताए ना जो बीआर का कार्ड लोगे सेम उसी तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर यदि आपका स्टार माइनस होता है जिससे आप लोग गेम को हार जाते हो डिफीट कर जाते हो उसके बाद जो आपका स्टार माइनस होता है तो यदि आपका ये कार्ड रहता है आपका वो स्टार माइनस नहीं होगा, और इसका जो एप्लीकेबल जो रैंक होता है वो ब्रॉन्ज 1 से लेकर के मास्टर तक है, और ये ना आपको परमानेंट देखने को मिलेगा। इसको भी आप लोग यहाँ पे दो बार ही परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे जो आइटम दिया हुआ है यहाँ पे जो है इन्विक्यूवेटर वाउचर है और साथ जो वेपन रॉयल का वाउचर है, यहाँ पे कुछ गन कैरेट वगैरह दिया हुआ है। लेकिन आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये जो कार्ड हम लोग यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे ये जो हम लोग नो ड्रॉप कार्ड है और यहाँ पे जो सीएस क्रैंकर का जो प्रोटेक्शन कार्ड है उसको हम लोग यदि परचेज करते हैं तो इसका जो यहाँ पे यूज कैसे करना है तो मैं आपको बता दूं, आप लोग का यहाँ पे कोई भी यूज करने का बटन वगैरह नहीं दिया गया है। इसका जैसे आप लोग परचेज करते हो ना तो ऑटोमेटिकली अपने गेम में ये अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि जो हमारे गेम में बडी मार्ट में जो न्यू रिवार्ड्स देखने को मिले उसका क्या काम है और बडी मार्ट टोकन आपको कैसे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यदि आपसे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और यदि आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन को उसको भी प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।